अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। अल्लाह हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई केक, बेकरी स्टाइल, बहुत ज़बरदस्त सा और बहुत ही आसान सी रेसिपी। चलिए आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले हाफ कप मक्खन का, आप कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप हम लोगों ने मैदा लिया है। 2 टेबलस्पून हम बादाम का पाउडर यूज़ करेंगे। 1/8 टीस्पून हम लोगों ने वनीला एसेंस यूज़ करना है। 1/2 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर के लेंगे। 1/2 कप हम लोग शुगर लेंगे, ये मैंने चीनी को पीस लिया है। 2 अदद हम अंडे लेंगे, अंडों को आपने अलग से लाजमी पहले से निकाल लेना है। चलिए जी फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम 3/4 कप मैदे के ऐड करेंगे एक बाउल में। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून आलमंड का पाउडर, आलमंड मतलब बादाम का पाउडर। आप लोगों ने बादाम जो होते हैं साबुत उसको क्रश कर लेना है, तो ये इसका पाउडर बन जाएगा। 1/2 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे। हाँ जी, अब हम इन तमाम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। जी जनाब, ये मिक्स हो चुके हैं। चले आए जी, चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हाँ जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने 1/2 कप बटर ले लेना है, इसको एक बाउल में हम ऐड कर देंगे। आप कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये नूरपुर का मक्खन यूज़ किया है। अब हम इसको बीट कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से फाइन पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखिए जिस तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। जी जनाब, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/8 टीस्पून वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा ओवर स्मेल आती है केक में से। जो भी हम केक घर में बनाते हैं उसकी ज़्यादा स्मेल की वजह यही होती है कि हम वनीला एसेंस ज़्यादा ऐड कर देने हैं। आपने सिर्फ 1 ड्रॉप वनीला एसेंस यूज़ करना है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। चीनी हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे, हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीनी ऐड करनी है और इस तरीके से मिक्स कर करके हमने बीट कर देना है। अगर आप चीनी एकदम से ऐड कर देंगे और मिक्स किए बगैर बीट करेंगे तो वो हवा से उड़ जाएगी। देखिए जिस तरीके से हमने पहले चीनी ऐड करनी है, हल्का सा मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको बीट कर लेना है। इसी तरीके से आपने ये प्रोसेस करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से केक बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप जब ये बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में बहुत ज़बरदस्त केक बना है। ये देखिए जी, इस तरीके से हम बीट कर लेंगे चीनी को और मक्खन को। चीनी और मक्खन को हमने अलग से बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने सारा साइडों से भी निकाल लेना है। जी जनाब, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडे। अंडे भी आपने एक एक करके ऐड करना है। अंडों को आपने एकदम से दोनों अंडे ऐड नहीं करने और ना ही एकदम से इनको बीट करना है। हम एक अंडा ऐड करेंगे पहले और इसको अच्छे से एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे। एक मिनट से ज़्यादा आपने बीट नहीं करना वरना ये ओवर बीट हो जाएगा। ये देखिए जी, हमने बीट कर लिया है। अब हम दोबारा से दूसरा अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर और हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको बीट कर लेना है। बीटिंग का भी आप लोगों ने टाइम ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बीट कर देंगे तो भी केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने साइडों से सारा इकट्ठा कर लेना है मिक्सचर जो हम लोग रेडी कर रहे हैं इस, और हम लोग फिर इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए जी, अब हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये केक बनता है, आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना था, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट था। हाँ जी जनाब, हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया हुआ था। हमने इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको फोल्ड करते जाना है। फोल्डिंग में आपने बहुत ख्याल रखना है, एक ही रुख हमने इसको फोल्ड करना है और आराम आराम से फोल्ड करना है। और याद रहे कि फोल्डिंग भी आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी। जैसे ही आपको फील हो कि इसके अंदर से जितने भी बबल्स हैं और पूरा मिक्सचर बिल्कुल फाइन हो चुका हुआ है तो इट मीन्स कि आपने फोल्डिंग छोड़ देनी है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ा मिक्सचर ऐड करके फोल्डिंग कर लेंगे। जी जनाब, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। चले आइए जी अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है केक पैन, इसके अंदर मैंने बटर पेपर डाला है और हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो मैदा भी लगा सकते हैं, मैदे को स्प्रिंकल कर लीजिएगा तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जी, अब हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था हम इसके अंदर ऐसे ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। बस आपने ख़ास ख्याल रखना है बीटिंग का और फोल्डिंग का, बाकी केक बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। जी जनाब, ये बिल्कुल रेडी है। चलिए जी, अब हम इसको बेक करने के लिए चलते हैं।
हाँ जी जनाब, यहाँ पे हम लेंगे एक खाली बर्तन। इसको हमने प्री हीट नहीं करना, सिंपल हमने इसके अंदर स्टैंड रख देना है और हम इसके अंदर तैयार करता हुआ केक का मिक्सचर ऐड कर देंगे और हम इसको ढक देंगे। ढक्कन के ऊपर आपने लाजमी कपड़ा रखना है ताकि जिस तरीके से हम चावलों को दम देते हैं, पहले के 10 मिनट हमने इसको मीडियम आँच पर पकाना है और 10 मिनट बाद हमने इसकी हल्की आँच कर देनी है। टेम्परेचर का लाजमी ध्यान रखिएगा और आँच का। ये देखिए जी, हमने बेक कर लिया है। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। आप इसका कलर देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार इसको चेक करने की। एग्जैक्ट आपने 20 से 25 मिनट बाद इसको जब आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। जी जनाब, 10-15 मिनट बाद हम जब ये ठंडा हो जाएगा इसको निकाल लेंगे सांचे में से। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। चलिए आइए जी, चलते हैं हम अपने 4th स्टेप की तरफ सॉस बनाने के लिए। जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम 4 टेबल स्पून पानी के लेंगे और 3 टेबल स्पून हमने जैम के लिए। मैं एप्पल जैम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी जैम यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबल स्पून जैम के ऐड कर देंगे और हम इसमें 4 टेबल स्पून पानी के ऐड कर देंगे। हमने इसको जस्ट 3-4 मिनट्स के लिए पका लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक थिक सा सॉस सा बन जाएगा। ये देखिए जिस तरीके से हम इसको पका लेंगे। हाँ जी जनाब, 3-4 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए जी, ये बिल्कुल पक चुका हुआ है। इस पोजीशन में हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि वरना ये ठंडा होके ज़्यादा सख्त हो जाएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। चले आए जी, अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। जी जनाब, अब है हमारा फाइनल स्टेप। हमने क्या करना है जी, बादाम लेने हैं। आपने साबुत और क्रश्ड के हुए बादाम ले लेने हैं और जो सॉस हमने रेडी किया था वो हम लेंगे। इस सॉस को हमने केक के ऊपर लगा लेना है अच्छे तरीके से ताकि ये जो केक है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। आप चाहे तो इसको सिंपल भी खा सकते हैं, जैसा आप लाइक करते हैं। बेशक सॉस ऐड मत करें, सॉस से ये हो जाता है कि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन जाता है। जैसे कि हम बेकरी से लेते हैं ड्राई आलमंड केक्स, उसके ऊपर इसी तरीके से सॉस उन्होंने लगाया हुआ होता है। ये देखिए जी, हमने सारा सॉस इसके ऊपर लगा लिया है। सॉस को अपने गरम गरम लगाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं लगाना वरना ये दोबारा से ही जैम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। टिप्स जो मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ उनको ख़ास ख्याल रखा करें। जी जनाब, अब हम डेकोरेशन कर लेंगे बादामों से। आप चाहे तो बेशक ना करें, आपकी अपनी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आप जिस तरीके से लाइक करते हैं, इसको रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर हल्के से बादाम ऐड कर लिए थे और क्रश किए हुए बादाम बीच में लगा दिए थे ताकि ये थोड़ी सी खूबसूरत से इसकी शेप आ जाए। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल बाजार की तरह का केक रेडी हो चुका हुआ है। चलिए आइए जी, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं कट कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आइए जी, मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त। टेस्ट में भी बहुत आला था, आप यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त ये केक बना है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।